गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी लोग घर पर सेफ होंगे और अपने आप को संभाले रखिए, क्योंकि अभी जो महामारी आई है उससे हम डर रहे हैं और डरना ही पड़ेगा। और अभी जो है कि आपको मैम स्कूल में नहीं पढ़ा रहे, तो जितने भी वीडियोज आ रहे हैं उसको अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। हम भी अपना पूरा ट्राई कर रहे हैं कि आप अच्छे से समझ पाए। आज हम स्टैंडर्ड 8 का हिंदी वर्ग का लेसन नंबर 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री उसका पार्ट 1 करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी बात कर रहे हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जो है उनका जन्म 1904 में हुआ था। उनके पिता जो है वो श्याम प्रसाद श्रीवास्तव और माता जो है वो राम दुलारी। अब शास्त्री जी जो 18 महीने के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद उनकी माता जो है राम दुलारी, उन्होंने उन्हें बड़ा किया और वो अपने मायके में यानी कि मामा के घर पर रहकर पढ़े। उनका जो है पढ़ाई वो काशी विश्वविद्यालय से हुई। तो वहाँ से जब आप पढ़कर निकलते हो तो आपके जो नाम है उसके पीछे शास्त्री लग जाता है। उन्होंने जो उपाधि दी थी तो उनको शास्त्री जी की पदवी मिली थी। ऐसे उनका सरनेम जो था वो श्रीवास्तव था और उन्होंने वो हटा कर फिर पूरा ही अपने नाम के पीछे शास्त्री जो है वो लगा दिया। अब यहाँ पर लेसन शुरू करने से पहले कर्मयोगी यानी जो कर्म करता रहता है उसे हम कर्मयोगी कहते हैं। तो इनके नाम के आगे कर्मयोगी ऐसे ही लग गया है क्योंकि उन्होंने बहुत कर्म किए हैं। और गीता का जो सिद्धांत है उसके ऊपर वो चले और हमारे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री पद है वहाँ तक पहुँचे अपने ही कर्म के बलबूते। अब लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका जो शब्दार्थ है बता दूँ। शब्दार्थ दायित्व यानी जिम्मेदारी, किसी की चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उसको जिम्मेदारी कहते हैं। निष्कार्य तो बिना फल की, जो गीता का हमारा सिद्धांत है उसे कहते हैं कि बिना कोई फल की अपेक्षा नहीं करनी है। समर्पण यानी सौंपना, कुछ भी चीज हम जब समर्पित करते हैं दे देते हैं सौंपते हैं। समन्वय यानी संयोग, दो या तीन या चार चीज मिलकर संयोग बनता है। उसके बाद निहित यानी अंतर्गत, कुछ अंदर की बात अंतर्गत। आस्था यानी विश्वास, विरासत यानी वारसा और जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है ही मैं बिल्कुल से बोलते हैं। आह्वान यानी चुनौती, किसी भी चीज के लिए आपको जब चुनौती देनी पड़ती है उसे कहते हैं। अनुकूलन तो जड़ मन से नष्ट कर देना, उसे जड़ मन से इस चीज को उखाड़ कर फेंक देना। दक्षता यानी निपुणता, होशियारी। तरजीह यानी अग्रिमता, जहाँ हम आगे रहते हैं उसे। प्रदत्त यानी दिया हुआ। निर्वाचित यानी चुना हुआ। दीक्षा तो जब आप लोगों की स्टडी खत्म हो जाती है और जो प्रमाण पत्र आपको दिए जाते हैं उसे दीक्षांत समारोह, प्रमाण पत्र देने का जो उत्सव होता है उसे दीक्षांत कहते हैं। स्पोर्ट्स डे के दिन जो आपको देते हैं ना सारे, जो या फिर कोई ये फेस्टिवल होता है इंडिपेंडेंस डे ऐसे कुछ नेशनल फेस्टिवल के दिन आपको जो प्रमाण पत्र दिए जाते हैं तब दीक्षांत समारोह उसको कहते हैं। अब लेसन जो है मैं रीड करती हूँ। जो लिखा है वो शंकर दयाल शर्मा जो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं उन्होंने ये जो लेसन है वो लिखा है संत लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल में हुआ था। आपकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। आगे की पढ़ाई आपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद और लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा एमए एलएलबी की उपाधियां प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पीएचडी की उपाधि अर्जित की और वहीं पर एक वर्ष तक प्रवक्ता रहे। तत्पश्चात भारत लौटकर आप राजनीति में सक्रिय हुए। विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुए। आपकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त। शंकर दयाल शर्मा जी के बारे में बताया है कि जन्म जो है उनका भोपाल में हुआ है और उनकी शिक्षा जो है मध्य प्रदेश
निकलता है और आपको उसमें भी ध्यान तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद एमए एलएलबी की उपाधि, यानी उन्होंने वो डिग्री आपका उपाधि यानी डिग्री, और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पीएचडी भी कर आए, और सबसे पहले वो जो है कि राज्यपाल बने, उसके बाद उपराष्ट्रपति बने और फिर राष्ट्रपति। हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में आपने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें से एक कुछ इस प्रकार है, देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मुद्रा, ये जो है उनके ग्रंथ जो लिखे हैं उन्होंने उसके नाम है। अब हमारा जो लेसन है उसके बारे में कि कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखा चित्र में लेखक महोदय शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि अपनी कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। वे कर्म को ही ईश्वर मान, जो काम को अपना ईश्वर मानता है, आलसी नहीं होना है, काम करना है और फल की आशा नहीं, फल आपको मिलेगा ही अगर आप काम करते रहोगे। कर्म के प्रति अटल श्रद्धा एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का मूल था। इस इकाई में समाविष्ट मूल्य समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठा, कर्मठता और सेवा, ये सब चीजें जो है इस लेसन में उनके गुण जो है वो बताए गए। मैंने आपको बोला वैसे ही कि सबसे पहले तो शास्त्री जी 18 महीने सीतापुर के पिता की डेथ हो गई, तो बहुत सामान्य परिवार से बिलोंग करते थे, फिर भी प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने पढ़ाई भी की, उसमें आगे भी पढ़े और बहुत सारे पद पर रहकर फिर प्रधानमंत्री तक पहुंचे। अब उनका जो लेसन है हम पढ़ते हैं। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोग के विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, उपयुक्त यानी एकदम योग्य है। हम उनको कर्मयोगी कहते हैं, वो बात उनके लिए बहुत सही है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ, कर्म यानी काम, कि उनका जीवन जो है मुझे काम से ही भरा हुआ लगता है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुंचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है, कि एक सामान्य परिवार से प्रधानमंत्री बनना वो कर्म, वो काम करते थे, वही चीज है कि जो उन्हें यहाँ से वहां तक ले गई। वह उन लोगों में भी नहीं जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे, नसीब में होगा तो होगा। मोस्टली लोग जो है वो काम नहीं करते, नसीब में लिखा होगा तो गाड़ी मिल ही जाएगी, पर काम करने से थोड़ी ना मिलने वाली, काम किए बिना तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, यानी वो नसीब के सहारे बैठने वाले लोगों में से नहीं है। और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वह उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों की बजाय विचिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा था। चिंतन यानी खुद के विचार, अपने आप को कहाँ तक पहुँचाना है सब हमारे विचारों पर डिपेंड करता है। अगर आपने अच्छी राह चुनी है, अच्छी बात चुनी है, तो आप वहाँ तक पहुँच ही पाओगे। उसी पर शास्त्री जी मानते थे, उनका चिंतन जो है यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में सोचना और उसको करना, वो बहुत बड़ी बात होती है। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था, वो कर्म को ही अपना ईश्वर मानते थे, और इसके प्रति वह बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से इसको समर्पित रहते थे। तो कर्म, यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले, तब भी उन्होंने उस पर हमेशा उपेक्षित दृष्टि की रखी। जब हम कुछ काम करते हैं और हमें उस स्टेज पर पहुँच जाना है, तब भी उन्हें उपेक्षित यानी उस चीज को वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, उसकी वो उपेक्षा करते थे कि भले इस चीज के लिए तो मैंने काम किया ही नहीं था, मगर वो स्टेज पर वो पहुंच भी जाए तो। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिबिंब था। उनका जो जीवन है वो गीता जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है, जो हमें सिखाता है कि जीवन कैसा होना चाहिए, तो उसमें जो है मेन जो संदेश है निष्काम कर्म करना, यानी फल की आशा भी किए बिना जो है
इसका कर्म कहते हैं। इसीलिए मैं समझता हूँ कि मुझे केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना कहीं अधिक उपयुक्त होगा, वो उनके लिए योग्य होगा कि हम उनको कर सिर्फ कर्मयोगी ना, कर्म तो सब करते हैं पर बिना फल की आशा रखे हुए वो कर्म करते हैं, वही उनकी बहुत बड़ी बात है। इस पैराग्राफ को फिर से रिपीट कर दूं कि शास्त्री जी जो है वो निष्काम कर्मयोगी है, कर्म करते हैं परंतु फल की आशा नहीं रखते, वो अपने नसीब पर कभी भी आधार नहीं रखते, वो ना तो हाथों की लकीरों को मानते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ काम को ही अपना ईश्वर मानते हैं। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उसे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीन बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र का जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त किए करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं तो अपने दायित्व यानी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निर्वाह करना चाहते हैं तो आपके कार्य को समर्पण तथा भक्ति और कर्मों में समन्वय होना चाहिए। क्या कहते हैं कि अगर आप अपने उद्देश्य यानी कि हेतु आपको जो चाहिए वो उसके प्रति दृढ़ आस्था हमें उसके प्रति हमें होना चाहिए कि ये काम हमारा होगा ही होगा। उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव, उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, हमें कुछ भी करना है, हमें एग्जाम में अच्छे से पास होना है, उस काम को उस कर्म को हमें अच्छे से निभाना चाहिए, हमें उसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए और अच्छे से नहीं कैसे बुक लेकर बैठे हैं ध्यान कहीं और है, उस चीज़ से आपको मिलेगा नहीं कि भाई आप 10 घंटे भी बुक पकड़ के रखोगे तो एक पढ़ भी नहीं सीख पाओगे, पर आप 1 घंटा बुक पकड़ो और उसको अच्छे से पढ़ो, दृढ़ आस्था उसमें हो कि ना मुझे करना ही है तो आप वो चीज़ कर ही पाओगे। ये तीन बातें मुझे उनके पूर्ण चरित्र और जीवन दर्शन में दिखाई देती है। उन्होंने शास्त्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि आप जिस भी क्षेत्र में काम करो, घर हो, राजनीति हो या सोशल हो, आपको अपने काम की जिम्मेदारी जो है उसका आपको अगर ध्यान होगा कि नहीं मुझे ये काम करना ही है तो आप उस काम को बहुत अच्छे से कर पाओगे। उसके लिए आपको समर्पण, आपको उस काम को समर्पित होना पड़ेगा, उसके प्रति भक्ति होनी चाहिए और काम करना चाहिए, तो तीनों चार चीज़ जब होएगी तब आपका काम बेस्ट में बेस्ट होगा ही। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ, साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत पर निर्णय है। कोई भी जगह हो, कोई भी स्थान हो, महत्वपूर्ण ये है कि आपका जो चिंतन, आपकी जो सोच है वो अच्छी होनी चाहिए और आप उसका फिर विकास कर ही पाओगे। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं पाते थे बल्कि उनको देखने में ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता था। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनुभव समय हुए था। अब क्या कहना चाहते हैं कि उनका जो जीवन है, श्रम यानी मेहनत, सेवा करनी, सादगी यानी सिंपल और समर्पित हो जाना, त्याग देना अपने आप को कर्म के लिए, ये सब गुण जो थे वो उनके विचारों में पाए जाते हैं और उनको देखने से ही हमें पता चल जाएगा कि वो बहुत सिंपल से थे, बहुत अपने जो पहरा पहनावेश है आप देख पाओगे, ये है शास्त्री जी। यहाँ सबसे आगे जो है एक सिंपल से आप एक नॉर्मल इंसान जो है उनके जैसे ये उनको देखकर लगे कि ये प्रधानमंत्री का जो रॉक है वो भी उन्होंने जताया नहीं। वह जो कुछ कहते थे वह
बड़ी बातें करना उन्हें नहीं आता था। आजकल के जो भी नेता है बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर शास्त्री जी कभी भी बड़ी बातें नहीं करते थे। इतने तक तो हमारा पार्ट वन रहेगा। उसके आगे जो शास्त्री जी का जीवन है, कहाँ से वो कहाँ तक किस तरह पहुँचे, वो हम करेंगे। अभी तक था जो उनके जीवन के बारे में सिर्फ बताया है, अब उनका जो काम है उसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। उससे पहले सप्ताह थी यहाँ से शब्दार्थ है, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका यहाँ तक, और बुक के पीछे भी आपको ये शब्दार्थ मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये रहे, ठीक है, थैंक यू।